हम लाते हैं टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। वेलकम बैक। खुद ही नजरात वक्त हुआ है मुखबरनामा का, चलते हैं बंगाली बाबा की तरफ। शोम शड़क पड़क पड़क पड़क। रमजान ने लगता है बाबा जी मत मार दी आपकी। की दसे जी बाबा जी बड़े दुखी ने। क्यों क्या वजह? बस इफ्तारी तक मुरीद ने सद्या सी, खेचल बड़ी हुई इफ्तारी फिर नहीं हुई। यार उर्दू में क्यों नहीं बताते? एक दफा का जिक्र है। और यार एक दफा का जिक्र का क्या मतलब? उर्दू में कह रहा हूँ। नहीं उर्दू में जरूरी नहीं, हर बात उर्दू में कहानी होती है। एक मुरीद ने बाबा जी की इफ्तारी की हुई थी, बाबा जी बड़े खजल हुए हैं और इफ्तारी फिर भी नहीं हुई है। ठीक है बिल्कुल ठीक। वो क्या आप तफसील तो बताओ ना। और बाबा जी ने फोन किया, पूछा बाबा जी ने कि आना की थे। उन्होंने कहा जी काला शाह काकू उतरोगे ना ते नाल ही है। यानी मोटरवे से उतरेंगे? हाँ जी मोटरवे। तो काला शाह काकू उतरोगे ते नाल ही मेरा घर है। और असि काला शाह काकू उतर गए। तो बाबा जी पैदल? हाँ जी बाबा जी पैदल। और तुम? मैं भी पैदल सी और मैं बाबे तो बह जाता। उन्होंने कहा जी नाल घर है। टुरद्या टुरद्या बाबा जी ने कहा यार मुरीद नु फोन ते कर किते। मैं फोन करता मैं जी किते काफी टुर रहे हैं। कहते लगे आओ। असि फिर टुर पे उत्तू बाबे का रोजा। उन फोन किया कहना जी मैं मेहनत होता लगे आओ। हाँ जी मुरीद के जाकर मैं फोन किया दोबारा। मुरीद के तक तुम पैदल गए? हाँ जी बाबा भी पैदल। देखो ना उदास खोतर का उलिया हो गया। मुरीद आता जी मैं वड्डी पुल दे उत्ते खलोता। अच्छा असि मुरीद के आए वड्डी पुल ना लबे। असि दोवे कामों की पहुंचे वड्डी पुल ना लबे। मैं कह लो जी वड्डी पुल ते गुजरां लईए। असि जी गुजरां ले जाकर फोन किया कि असि काला शाह काकू तो गुजरां ले आ गया घर किथे। उन्हें कहा लगे आओ। मुरीद मेरे गल पिंडी रहंदा सी। गुजरां वाले कैंट मेरा चलान हो गया। तुम किस पे बैठे हो? मैं बाबे तो बैठा हुआ सी। शॉर्टकट रस्ता सी पोल वाला। अच्छा बाबा जी चढ़न लगे चढ़न ना देन पोल पे। हाँ जी ये जो नया फ्लाईओवर है। हाँ जी उन्हें कहा बाबा जी जे पोल गिला 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 हैगा तो ना चढ़ो सारा बह जाएगा। मैं उन्हें फोन किया मैं कहा नहीं दिया सानू मारने ट्रा ट्रा के असि तो मर थां गए। यार उर्दू में तुम ये बात नहीं कर सकते। मैंने उसको कहा अंधी के हमें मारना है तुमने ट्रा ट्रा के। क्या अल्लाह उर्दू बोल रहे हो? मैं उन्हें कहा तू दस तो सही पुल है केड़ा। उन्हें क्या काला शाह काकू मोटरवे वाला पुल ले तुसी कितने हो? मैं कहा गुजरा ले। कहते वापस आओ। रोजा खुल चला गया पौना घंटा। मैं कहा वापस किए जाइए? मैं सोचा मैं कहा यार अल्लाह ऐसी कन्वेंस भी नहीं लभनी। अल्लाह ने मैंने दी अकल उठ बैठे गुली कुत्ता। मैं उन्होंने मारा वटा वो लग बाबे दे मगर गया। बाबे के बाबा शकुन चोर लगता है। बाबा अगे अगे कुत्ता पीछे पीछे। मैं सोचा यार ला मैं इन्होंने दोनों चुके दे पवा। क्यों इसका क्या मतलब है? दोनों एको जेडे दोश। ऐ बाबा है ते ऐ कुत्ता है। बाबा अगे कुत्ता पीछे। मैं छाल मारी बाबे दे उत्ते। उत्ते जो पहुंचे हैं ते रोजा खुले डेढ़ घंटा हो गया सी। असि वापस स्टाप ते हैं उत्ते ना कोई वैगन ना कोई बस लगता किसी ने हड़ताल की हुई है। ਉਹੀ ਬੁੱਲੀ ਕੁੱਤਾ ਉੱਥੇ ਸਟਾਫ ਤੇ ਬੈਠਾ। ਓਏ ਹੋਏ ਉਹਨੇ ਬਾਬੇ ਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਹੌਰ ਜਾਣੇ। ਬਾਬੇ ਕੋ ਮੁਖਬਰੀਆ ਤੋ ਦੇ ਇਹ ਫਜ਼ੂਲ ਬੋਰ ਕਿਸਮ ਕੇ ਵਾਕਿਆਤ ਨਾ ਸੁਣਾਏ। ਸ਼ਾਮ ਸ਼ਕ ਪ੍ਰਕ ਪ੍ਰਕ ਪ੍ਰਕ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ ਇਹ ਹੈ ਸਟਾਈਲ ਬਾਬੇ ਕਾ। ਇੱਕ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਮੁਖਬਰੀ ਦੇ ਰਹਾ ਹੂੰ ਬੱਚਾ। ਦੋ ਬੜੀ ਸਿਆਸੀ ਜਮਾਤੋ ਕੇ ਫਰੰਟ ਮੈਨੋ ਨੇ लंदन में मुलाकात की है बच्चा। ठीक उस मुलाकात में ये तय पाया है कि औखे सौखे होकर चार महीने निकाल लिए जाएं। वाह वाह वाह। और उनमें से एक फ्रंटमैन ने पाकिस्तान आके ये सब कुछ उन्हें बता दिया जिनसे ये सब डरते हैं। आहा अच्छा ऐसा किससे डरते हैं? ए बाबा नहीं दसेगा। ए मैं दसना जो मेरे को पूछो थे। हमें पता है, हमें पता है सब किससे डरते हैं जी। यही वजह है कि जब GHQ में वफाकी वज़रा को इजलास के लिए तलब किया गया उनमें एक फ्रंटमैन मौजूद नहीं था। वाह जी वाह। यानी फ्रंटमैन तो वफाकी वजीर हुआ फिर कोई? तेरे ना मैं गल की थी। हाँ तो ठीक कह रहे हैं वो। इसका मतलब है कि एक वफाकी वजीर तो कंफर्म्ड है, जाहिर है नवाज लीगी होगा। मैं नहीं बताऊंगा ये कौन था। ओ यार कुछ बताया करो प्लीज, क्यों इतना बुजदिल हो तुम? एरु छोड़ो, एक वफाकी वजीर है दूजा दूसरी पार्टी का। अच्छा दूसरा दूसरी पार्टी का फ्रंटमैन जो था वो कौन है? वो भी उस समय मेरा वजीर थी जिदा है उनने। बाबा मैं नाम नहीं लूंगा। बात सुनो, ये एक बड़ी दिलचस्प बात, ये वजारत दाखला की बात तो नहीं हो रही? अब बाबा मेरा बेड़ा घर हो जावे अगर मैं आख्या होवे उदा नाल आवे मेरा कख ना रोवे। ए बंदा बड़ा चला के वजारत दाखला इन्हें अपने पर्यों लाई है। मैं दसिया नहीं हालांकि मैंने पता आई।
मैं तो नहीं दस्या ना यार, ये चेला मुझे बहुत क्यूट लगता है। और सर हम चेले के क्यू पे यहाँ तक पहुंचे हैं। आ यार गल सुनो, मेरी तरीफा बाद च करना, जिले मनोज चला जावे। बड़ा कुटदा है। बाबे दे मलंग भाई, बाबे दे मलंग, बाबे दे मलंग भाई, स्टेप भूलिया नहीं। लो जी, जब ये इजलास शुरू हुआ तो GHQ ने कहा, ओए अकल नु हाथ मारो, अगले माह एक इंटरनेशनल टीम आ रही है। वाह वाह वाह, इंटरनेशनल टीम क्या क्रिकेट खेलने? ना ये भांडपना रोजे भी करना जरूरी है। यार मैंने भांडपना कब किया? वो टीम किसकी, किसके इंटरनेशनल टीम किस चीज की? तो नहीं पता इस गल? नहीं मुझे नहीं पता ना। एक अहम इदारे की टीम जो मनी लॉन्ड्रिंग के खिलाफ तहकीकात कर रही है। अच्छा, ये इत्तला GHQ दे रहा है इन हुकूमती सूरमाओं को। वाह वाह वाह। अच्छा जनाब, क्या कहा GHQ ने? GHQ ने कहा कि स्विस केस, पनामा केस और काजी फैमिली के बारे सन रिपोर्ट चाहिए। ओ ना होवे कि ए रिपोर्ट सानू तैयार करनी पै जाए। वाह वाह वाह। और इन्होंने तो 5 मिनट तैयार कर लेनी। वो कैसे? इन्हों को पहले ही तैयार है। केड़ी गल दसेगा? केड़ी गल दसेगा? मैं बाबा दसिया नहीं है, सिर्फ अंदाजा लाया है। ऐसे लगता है ये चेला एजेंसियों का आदमी। चेला खुफिया एजेंसी है, बाबा ट्रैवल एजेंसी है। एक और अहम मुखबरी ले लो बच्चा जी। नैब KP की एक अहम सियासी शख्सियत पर हाथ डाल रही है। अच्छा। जिसके इस्लामाबाद में बहुत से पेट्रोल पंप और बहुत से प्लाजे हैं। ये नेकी का काम किसके खिलाफ होने जा रहा है? नाम नहीं बता सकता, ये मेरी मजबूरी है। तुम क्यों नहीं समझते है साकतुल अकल इंसान? गल ने 3 दिन याद की थी। अच्छा जी, मत बताए, सिर्फ इतना बता दें कि ये सियासी शख्सियत किस जमात से है। एक गल भी बाबा नहीं कर सकता, क्यों? किस जमात ना तल्लक है? कमाल है यार। सर पीपल्स पार्टी ना तल्लक है, पिछले दौर बड़े अहम होते तो फैज सी। वाह 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 वाह। ना नहीं लिया। क्यों वाह वाह तेंज कर रहे, जिम्मे तू दीवान सुनाया अपना। अच्छा ये बताएं कि ये सारा कुछ इसके नाम पर था? नहीं बच्चा, ये फ्रंट मैनों के नाम पे खरीदे गए थे। और तमाम फ्रंट मैनों ने नैब को लिख के दे दिया है कि ये तमाम तर प्लाजे, तमाम तर पेट्रोल पंप इसी शख्स के हैं। हाँ, उन्होंने बेचारे ने इतनी औकात नहीं होनी ना। ये बताओ ये कौन है? ये जिसकी औकात है उसका नाम भी होगा कोई? ए बाबा कभी भी नहीं दसेगा, और आज ये भी बताएगा तो मौत के घाट उतार दूंगा इसे। आज तो शक्ति कपूर का साला ही लगे। लगता है इस दफा नैब को पक्का हाथ डाल रही है। हाथ नहीं डाल रही, कुंडी डाल रही है। फिर वही गल, फिर क्या दसा मैंने नाम? नाम तो तू चुप करके बैठा रहो। मैं कुंडी आखिया, कुंडी च क्या ना है? छेड़ कुंडी, उसका नाम अगर होगा कुंडी फिर सारा कुंडी। मैं नहीं आखिर कुंडी है थे। अच्छा, उसका कल PTI से तुम्हारा ख्याल है? कुछ पार्टी ने दिया सारा कुछ तो दसी बैठा तू। अच्छा जी, उसके ऊपर कुंडा जला है या कुंडी? सर कुंडा तो बिजली की तार से पाया जाता है ना, एक कुंडी है। ना नहीं। अच्छा जनाब, पता ये चला कि पीपल्स पार्टी की एक शख्सियत सबका दौर में अहम ओहदे पर असेंबली के अंदर भी होता था? और मैनू नहीं पता जनाब ओहदा कित्थे सी। ओहदा दस ना, दस जनाब, इन्हें इस कुंडी से ना मेरा कुंडा कर देना है। अच्छा, ये बार बार कुंडी कर रहा है, इसका मतलब यही हुआ कि शख्सियत वही है जो हमारे जहन में आ रही है। हम नाम नहीं पूछते क्योंकि ये एक ओपन सीक्रेट है। अगली मुखबरी जनाब। लो बच्चा, सबसे अहम मुखबरी अब आ रही है। नैब ने LNG केस में करप्शन के खिलाफ तहकीकात शुरू कर दी है बच्चा। वाह जी वाह, बड़ी देर से सुन रहे थे इसका चर्चा। अब सिर्फ चर्चा ही नहीं होगा, अब बकायदा तहकीकात शुरू हो चुकी है। गुड गुड गुड। 3 अहम शख्सियात इसमें काबू आने वाली हैं। और तीनों कौन हैं जनाब, ये तो बता दीजिए वरना। ए बाबा कदी नहीं दसेगा यार, तेनू 1000 साल हो गए मेरे मुखबरियां देने, मैं कदी दसिया? बात सुनो, अगर नहीं दे सकोगे तो आज का सारा मुखबरनामा नल एंड वॉइड है। आपका आना ना आना हमारे लिए एक बराबर है, और इसका मतलब आप समझते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। ना करो जनाब, को ईद आ रही, कपड़े बनवाने ने। किसके? बच्चे ने और बाबे ने। नाम बताएंगे तो बात बनेगी। बाबा कदी नहीं दसेगा। चलो ठीक है, ओके जनाब।
آج ہم میں جناب دو بندے نہ دس نہ تیس نہ ہم آج فرنگ آسفیہ کر لیتے ہیں میں کہنا چھڑ دیو پروفیسر ستایا چھڑ دیو میں کہہ رہا دو بندے نہ میں دس دینا تیسرے کا نام میں بھی نہیں لینا کیوں تیسرے کا کیوں نہیں لینا بس یہ میرے پر سڑ دینے کیوں تمہارے کیوں پر سڑتے ہیں زیادہ چلاکی کرنے کی کوشش نہ کرو سر دو تو پوچھیں ان سے ہاں جی دو تو بتاؤ نا تیسرا ہم خود جج کر لیں گے لو جی ایک تو جی شاید خاقان عباسی تو دوسرا جی سیف الرحمان چھوڑ دو اس کو اے بابا نہیں چھڑے گا تیسرے بندے کا نام ہی دسے گا تیسرے بندے کا نام ہم پوچھتے ہی نہیں کیونکہ اگر سیف الرحمان کا نام آ گیا ہے تو انڈرسٹوڈ ہے کہ سیف الرحمان کا کلوز تعلق کس کے ساتھ تھا ہم کیوں پوچھیں گے اس سے میں تیسرا دس دیتا ہوں سر یہ کوئی چھوٹا سکیم نہیں ہے مبینہ طور پر 40 ارب روپے کا سکیم ہے 43 ارب روپے کا سکیم ہے یہ 43 ارب روپے اور اس میں یہ جو تیسرا ہے نا تیسرا یہ بڑا اہم ہے سب تیسرا نام تو اسحاق ڈار کا لیا جاتا تھا اسحاق ڈار کا نام تو لیا جاتا تھا لیکن اسحاق ڈار کس کی مرضی سے ہے اسحاق ڈار کسی کے اشارہ ابرو کے بغیر پتہ نہیں ہلا سکتا مجھے لگتا ہے گل آئی گئی ہوگی اسحاق ڈار تو تیسرا آپ سے بھڑ گیا نہیں اسحاق ڈار اور تیسرا تیسرے کے ساتھ اسحاق ڈار کا بڑا گہرا تعلق ہے سر میں گل پوچھنا چاہتا ہوں جی ویسے میاں نواز شریف نو کی لوڑ پئی ہے دوسرا تے تیسرا تے چوتھا بڑا تو جی نظرات آج کے شو کا وقت ختم ہوا آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویک اجازت دیجئے اللہ حافظ ناصر